अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा गुजारे और जो बीमार है उनको अल्लाह पाक शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और फरमाइश थी, तो इसलिए मैं आज आपको अपना ईद के लिए घर भी डेकोर कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं आपको अपने घर का होम टूर भी दे रही हूँ, क्योंकि सब लोग बार बार कह रहे थे तो आज मैंने सोचा कि टाइम आ गया है तो मैं होम टूर भी आपको दे दूं। और हमेशा की तरह मेरी इस वीडियो पे भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा ताकि अल्लाह पाक मेरे घर में इसी तरह खुशियां और हर चीज़ की खैर बरकत रखे, आमीन। फ्रेंड्स, बस अपने बेडरूम से शुरू कर रही हूँ डस्टिंग के साथ। वैसे तो आप लोगों को पता है कि साथ साथ थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ साफ़ सफ़ाई, ये चीज़ चेंज कर ली, वो चीज़ चेंज कर ली, तो बस अब कुछ रमज़ान की भागम दौड़ी में एक दो चीज़ें हैं जो कुछ ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी तो वो अभी तक नहीं आई हैं, तो वो मिसिंग है बाकी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपने इतने प्यार करने वाली अपनी बहनों को मैं ज़रूर होम टूर दूंगी। ख़ासकर इंडिया से मुझे मेरी कुछ बहनों ने कहा था, वो हैं, और एक सऊदी अरब से, वो तो काफ़ी चीज़ों के लिए मुझे कहती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी हर मतलब फरमाइश पूरी करूँगी। तो चले अपने बेडरूम से करते हैं। और इस दफ़ा तो मुझे ज़्यादा इसलिए भी खुशी है कि ये जो बेडशीट वगैरह हैं, पिलोज़ वगैरह, ये मैंने ज़्यादा खुद अपने हाथों से ही की हैं। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कभी भी आप बेडशीट चढ़ाएं अकेले हों तो आप चारों कोनों पे नॉट बना लें, उससे इतनी अच्छी बेडशीट चढ़ जाती है, किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस ये देखिए, ये अब मैं अपने बेडरूम से मैंने शुरुआत की है अच्छे से इस तरह का। इतना करने के बाद इतना अच्छा फिर फील होता है, घर बिल्कुल निखरा निखरा लगता है जब पूरी तरह डेकोर हो जाता है। तो अभी पिलो कवर भी चढ़ा लेते हैं, बस रात हो गई थी और तैयारियां करते करते ना तो रात हो गई, तो बेटे ने मेरी बहुत हेल्प की और आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारा प्यार और दुआएं कि आपने मेरे ड्रेस की बहुत तारीफ़ की। हालांकि बस ऐसे ही मैंने कहा चलो मैं कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अब मुझे हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लगता है और जो आपकी दुआएँ ब्लेसिंग मिलती है वो तो मतलब वो तो और हिम्मत पैदा कर देती है ना, और मतलब इतना प्यार और आप लोग मुझे दे रहे हो ना, बस मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ और दुआएं दे सकती हूँ। तो बस इसी तरह अपना मेरी हर वीडियो पे प्यार बनाए रखिएगा। अब ये देखिए तकियों के भी कवर हो गए और हमें मुझे शुरू से आदत है, मैं बेड पे ना पिलोज ज़रूर रखती हूँ, एक तो अच्छे भी लगते हैं और प्यारे भी लगते हैं रखे, और बेड भी जब हम रात के टाइम बेड मैसी हो जाता है, जब हम सुबह उठ के उसको सेट करते हैं, पिलोज वगैरह सही करके रखते हैं, ये प्यारे से कुशन रखते हैं तो और फ्रेशनेस हो जाती है और घर इतना निखरा निखरा लगता है। तो ये मेरी शुरू की आदत है। ये बस अभी मेरे बेडरूम के मैंने कुछ ये जो सारे कुशन है ना इनके कवर मंगवाए थे लेकिन वो अभी तक आए नहीं, तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं अभी इन्हीं के साथ ही गुजारा कर लेते। तो अभी ये जो सोफ़े का है, इस दफ़ा मैंने सोफ़े का भी कवर सिया, साथ उसके जो छोटे छोटे पिलो हैं उनके भी कवर सिए। तो बाकी ये जो सामने वाले ये आ जाएंगे फिर आपके साथ मैं शेयर कर लूँगी। तो ये इस तरह बेडशीट के साथ ही कपड़ा था तो मैंने इसका भी इस तरह कवर कर लिया कि चलो कोई बैठता है तो, और वैसे भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैंने कहा जब भी कोई बेडशीट बनाऊंगी ना तो उसके साथ ये इस वाले सोफ़े का भी मैं कहूँ, क्योंकि बेडरूम ये बड़ा है तो इसके साथ एक हमने टू सीटर सोफ़ा लिया था कि सीटिंग एरिया भी रहे और टीवी चलता है तो बंदा कोई बैठ भी जाता है, और जब हम ज़्यादा सारे लोग होते हैं कभी मेरे कमरे में ही सबको सोना होता है तो नीचे हम चटाई बिछा के तो फिर हम लोग कुछ बेड पे कुछ नीचे लेट के तो मज़े से हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारा यही होता है कभी तो सब अपने अपने रूम में हो जाते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम मेरे ही रूम में सबका पड़ा होता है। अब ये देखे सोफ़ा कि हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो वो चीज़ कितनी प्यारी लगती है। अब आप देखें सोफ़ा कितना प्यारा लग रहा है, बस इस दफ़ा मेरा आइडिया हो क्योंकि इस दफ़ा मैंने सोचा था कि बेडशीटें ना खुद मैंने सीनी है और उसके बाद मैं खुद ही मतलब करूँगी, रेडीमेड में कोई ना कोई मसला रहता ही है, तो फिर ये मैंने खुद सारा कुछ किया और साथ ही मैंने सोचा फिर सुबह ईद है तो भागम थोड़ी में पता नहीं सफाई का टाइम मिले ना मिले, तो अभी टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी सारी सफाई भी करके ना तो और सारा क्लीनिंग का काम भी रात में ही पूरा कर दूंगी। और मैंने पहले भी बताया मेरे बेटे ने मेरा बहुत साथ दिया पूरी रात, वो तकरीबन हम लोग पता नहीं 3:30 बजे के 4 बजे हम दोनों लेटे थे
तब भी उसके बाद भी काम था, जब मैंने टाइम देखा तो 3:30 से ऊपर टाइम हो रहा था। फिर मैंने कहा ये मेरे पास फेरी लाइट्स पड़ी हुई हैं, थोड़ी सी लगाऊं ताकि चाहे किसी भी मज़हब की खुशी हो तो थोड़ा फील आना चाहिए कि वो मेरी इंडियन बहनें भी इसी तरह अपने त्यौहारों में करती होंगी, हम लोग भी करते। तो मैंने थोड़ी सी ये लाइटिंग भी की कि इससे थोड़ा अच्छा ईद वाली फीलिंग आएगी। तो ये देखे कितना प्यारा मेरा सोफ़ा लग रहा है, एक आम सा सोफ़ा, थोड़ी सी इस तरह डेकोर करने से कितना प्यारा लगता है। और बस अब मैंने जब भी मैं बेडशीट बनाऊंगी ना तो उसके साथ मैं इसका भी सेट लाजमी बनाऊंगी, तो ये अच्छा लगता है। अब ये देखे पूरा मेरा कमरा नीट एंड क्लीन हो गया है, तो कितना प्यारा लग रहा है। और थोड़ी सी ये फेरी लाइट भी मैंने लगा दी जो बहुत ही मुझे तो प्यारी लग रही थी। तो बस चलिए अब बेटियों के रूम में चलते हैं। अब ये देखे कि अभी इनके जो है ना ये सारे कुशंस वगैरह ये मैं हटाऊंगी। ये मैंने जब मैंने चैनल शुरू किया ना उससे थोड़े टाइम पहले ही मैंने लिए थे, तो इनके ये जो है जो बियर वगैरह है, ये जो सॉफ्ट वायर, ये इनको कुछ तो गिफ्ट मिले हुए हैं और कुछ ही है। अब ये देखिए मुझे इस मशीन का इतना फ़ायदा है, अब ये जब तक इनका कमरा सेट करूँगी तब तक ये धुल के सूख भी चुके होंगे और मैं इनको इनकी जगहों पर रख दूँगी। तो ये देखिए अब मैं टाइमर लगा देती हूँ, तो जब तक मैं दूसरा काम करूँगी। ये देखिए पानी आने लगे, अब बस ये 56 या 55 मिनट में ये धुल के सूख के ये रेडी हो जाएंगे। तो अभी बस ये कर लेते हैं, ये वाले जो पिलो, ये जो ब्राउन वाले, ये मैं कहीं पर भी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने ले तो लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन इनका कलर कहीं भी सूट नहीं कर रहा, तो ये मैं रख लूँगी, फिर कभी चढ़ा लेंगे। तो अभी मैं कर लेती हूँ लाउंज की डेकोर। भाई लाउंज का भी यही है कि मैंने जब सोफ़ों के कपड़े सिलवाए थे ना तो उनके साथ ही ये सोफ़ों के जो मेरे कपड़े ना ये मेरी आपी ने सी कर दिए थे। तो बाकी जो ऊपर इनके जो टेकों के ऊपर डलना है वो मैंने खुद, मैंने आपसे शेयर भी किया था, वो मैंने किए थे। तो अभी मुझे एक दो सेट और बनाना है सोफ़ों के लिए, तो मैं जब वो करूँगी ना तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बस ये सारी हम लोगों ने डस्टिंग हर चीज़ तो की थी मैंने हाउस हेल्पर के साथ मिलके, तो बाकी यहाँ से थोड़ा सा रह गया था उस दिन, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी मैं कर लेती हूँ। ये जब मेरा एक सेट सोफ़ों का फट गया था तो फिर मैंने अपनी एक बेडशीट काट के डाली थी, क्योंकि देखिए ये चीज़ें महंगी ली जाती है तो इनकी हिफाजत करें ना तो ये लाइफ टाइम चलती हैं, अगर हम हिफाजत नहीं करते किसी भी चीज़ की तो वो ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने जब वो सोफ़ों का कवर फट रहा था ना और एक मैंने नाप के लिए आप ही को दिया था, तो फिर मैंने एक बेडशीट अपनी काट के ना तो इनके ऊपर डाल दी थी ताकि ये गंदे या मैले ना हो जाएं। तो फिर उसके बाद ये अभी बेटा मेरी हेल्प कर रहा है तो हमने सोचा कि हम इसको कर लें। ये सोफ़ा हम लोगों ने, मुझे ये इतना तुर्किश कपड़े में इतना ये मुझे पसंद आया था, लेकिन हमारा माशाल्लाह लाउंज बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से ये मुझे कम लग रहा था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम ये इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करवाएँ, थोड़ा सा हमने ना ये बड़ा करवा लिया था। तो फिर हमने ये जो इस तरह वाला 2-सीटर सोफ़ा, ये 3 ही है लेकिन कहेंगे 2-सीटर, ये फिर मेरे हस्बैंड ने इसको अपना ऑर्डर पे फिर इसको बड़ा करवाया, अब मेरे लाउंज में सेटिंग एरिया बहुत अच्छा हो गया था। तो इसलिए फिर मैं कोई भी ये जो है ना ऑनलाइन कोई भी कवर नहीं मंगवा सकती, क्योंकि फिर अगर मैं 7-सीटर का मंगवाती हूँ तो मेरा वो वाला जो सोफ़ा है वो रह जाएगा। इसलिए फिर मैंने खुद ही अपने दिमाग से इसका पहले भी कवर सिया था और फिर दूसरी दफ़ा तो मैंने अपनी आपी को कहा था, मेरी आपी ने मुझे सी कर दे दिया था। अभी भी मैंने 2 सेट रखे हुए हैं, वो मैंने बनाने, एक तो बहुत ही प्यारा बनाना है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए इस तरह कवर मैंने डाल दिए और इसके साथ ही कुशन भी डालूँगी और जो इसके टेक हैं वो भी डालूँगी। तो मैंने कहा ये सारे काम मैं चांद रात को ही कर लेती हूँ, फिर मुझे सुबह मुश्किल नहीं होती है क्योंकि क्लीनिंग का सामान। और आज तो मुझे आपको ख़ास आप सब बहनों की फरमाइश पर मुझे होम टूर भी देना था, तो मैं उसके हिसाब से अब ये देखे ये मैंने सिए कितने ये प्यारे लग रहे हैं। तो हम थोड़ी सी किसी भी कपड़े पे या किसी भी चीज़ पे थोड़ी सी मेहनत करें तो वो अच्छी रहती है। और मैंने आपको पहले भी बताया मेरी ज़्यादा तवज्जो घर पे और बच्चों पे रहती है, तो वो मुझे मतलब मैं देखती रहती हूँ कि मुझे क्या करना है। ज़्यादातर मेरी बहनों का ये ऐसे ही होगा, जो ये सब इस तरह अपने घर में डेकोर करती है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस तरह ईद की तैयारी करते हैं, आप किस तरह सारी डेकोर करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जैसे आप मुझे हमेशा बताते। और अगर कोई चीज़ चेंजिंग है या आपको थोड़ा लगता है कि इसमें चेंजिंग आना चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं उसको भी सही करने की कोशिश करूँगी। तो बस इसी तरह ही हम लोग लगे हुए थे कि ये वाला काम हो जाए, तो वन बाय वन करके मैं इसी तरह
हफ्ता बार डाल रही हूँ, तो ये मुझे इतना अच्छा ये आइडिया अपना लगा था। तो एक तो हमारे फ्लैट में, एक हमारे नेबरहुड में ही है, तो वो लोग आई थी। मैंने अपना घर बाहर से भी डेकोर किया हुआ है, उसकी मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊँगी। तो वो देख कर तो उन लोगों ने फिर मुझे घर के अंदर आई, तो उनको मैंने जब वो मेरे ग्रीन वाले कवर थे वो मैंने डाले हुए थे, तो वो उनको इतने पसंद आए, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कैसे बनाए। फिर वो लेकर भी गई थी, उन लोगों ने भी अपने सोफ़ों के बनाए। फिर ये अब लाउंज की बारी आ गई, मैंने सोचा कि अब लाउंज की भी साथ ही क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि मैं ईद पर ना अपनी हाउस हेल्पर को छुट्टी दे देती हूँ। देखिए उनकी भी ईद होती है तो फिर मैं उनको नहीं बुलाती, हाँ ईद के तीसरे दिन फिर वो आती हैं, तब तक मैं खुद ही फिर करती हूँ, ताकि वो बच्चियाँ भी, और कोई छुट्टी दे ना दे, मेरा अपने के साथ ही रहता है कि मैं अपनी तरफ से रिलीफ दूँ उनको, ताकि वो भी वो दिन इंजॉय करें, कि वो भी अपनी ईद मनाएँ। अगर कोई बुलाता हुआ तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको छुट्टी दे देती हूँ। तो अभी ये मैं ना क्लीनिंग का काम अभी पूरा करके और फिर उसके बाद दूसरे कमरे भी डेकोर करूँगी। ये जो है ना, ये जो हमारे लाउंज में ये बीच में टाइल लगी, ये इतनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी ये लगती है। और रात को ना इसमें कोई ऐसा केमिकल भी, ये मार्बल में साइडों में ना वो करके, तो जैसे मीनाकारी होती इस तरह किया हुआ कि वो जब लाइटें वाइटें सब बंद करो तो ये थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग चमकती है। अब मेरा लाउंज की भी डेकोर पूरी हो गई, साफ़ सफ़ाई भी हो गई। अब आ जाते हैं दूसरे बेडरूम में बेटियों के। तो मेरी दो बेटियां हैं और ये उनका रूम है। तो अभी ये देखें कि उनके भी बेडशीट में इसी तरह चेंज कर दूंगी। तो ये देखें, ये मतलब ये भी मैंने बेडशीट ना खुद बनाई है, और बहुत मतलब कपड़ा लेकर ये भी घर पे ही बेडशीट तैयार हुई है। इस दफ़ा मैंने सारे रूम्स की ना बेडशीटें मैंने खुद बनाई हैं। अब ये थोड़ी थोड़ी मैंने सोचा उस दिन भी की थी, लेकिन हल्की फुल्की डस्टिंग कर दूँ, ताकि अगर कोई मट्टी होगी तो चलो वो झट जाएगी। और ऊपर इसकी ट्यूबलाइट लगी हुई है। पता क्या है, अभी ये जो मैं दीवार ना डस्टिंग कर रही हूँ ना, तो मैं इसकी भी ना, इस पर भी वॉलपेपर लगवाऊँगी इंशाल्लाह, बकरा ईद से पहले ही लगवा लूँगी। ये जो सामने लगा हुआ है एसी वाली दीवार पर, तो इसी तरह का ही मैं ना यहाँ पे भी लगवाऊंगी। बस उस टाइम गलती की नहीं लगाए, लेकिन पता क्या, इन्होंने लाइट का सिस्टम बड़ा ख़राब दिया हुआ है, इसको भी इंशाल्लाह मैं सेट करूंगी। और उसके बाद आपने नोट किया कि मैंने सब बेडों के ऊपर ये वेलवेट के कवर डलवाए। एक मतलब मेरे रूम में वेलवेट वाला है, ये जो इस कमरे में है इसमें ये जर्सी का है, और वो दूसरे जो बेटे के रूम का है वो कॉटन टाइप कपड़ा है। क्योंकि ना इससे जो है ना चादरें इतनी अच्छी रहती हैं, गद्दा भी आपका सेट रहता है। तो ये अभी मैं इसी तरह जो मैं आपको बताया कि चारों तरफ नॉट लगा लें, तो हमारे घर में सबसे हैवी गद्दा ये, इतना ये मोटा है ना कि बड़ी मुश्किल इस पे चादर। तो दोबारा भी हस्बैंड कह रहे थे दूसरे बेडों के लिए भी यही गद्दा ले लें, मैंने कहा नहीं ये नहीं लेना है, क्योंकि इसको ना मतलब बेडशीट चेंज करना, इसको उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो वो वाले सही हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटा गद्दा है ना, तो इसको फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि काफ़ी हैवी है। तो बस इसी तरह आप कर लें। और ये देखें, मैंने चम्मच मंगवाई है, तो चम्मच की मदद से मैं इसको अंदर कर रही हूँ। तो बस इसी तरह करके, और इतनी खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने हमारे रोज़ों का तोहफ़ा, हमारे लिए ये ईद रखी हुई है, तो ईद की तो मतलब स्पेशल तैयारी होती है, और उसकी खुशी भी बहुत होती है। बच्चों को तो बहुत होती है, हम जब छोटे थे तो हमें भी बेइंतहा होती थी, अब भी होती है कि हमारे अल्लाह पाक ने एक हम रोज़े रखते हैं, उसके बाद हमारे लिए इतना खूबसूरत और इतना प्यारा इनाम ईद की सूरत में रखा है। तो बस इसी तरह करते हैं, इस कमरे को भी इसी तरह कर लेते हैं। अब ये मैं पिलोज़ के लिए बेटी को बुलाऊंगी, क्योंकि वो अपने कमरे के पिलोज़ खुद लगाती है और बहुत अच्छे से वो लगाती है, वो उसे पसंद भी है। तो चलिए बाकी चीज़ें मैं करती हूँ, और बाकी पिलोज़ वगैरह वो लगाती है, फिर मैं उसके बाद आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और जो इनके सॉफ्ट हुए हैं उनको भी मैंने वॉश कर लिया था, वो भी मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर धुल गए थे और सूख भी गए थे, उसी टाइम वो जाते इतने ये मतलब मैं इसी तरह करती हूँ कि ये कुछ इनको गिफ्ट्स भी, और ये वाला जो बियर है ना ये भी गिफ्ट मिला था मेरी बेटी को, इसके जो रात को लाइट बंद कर दो ना इसके ऊपर इस तरह की पेंटिंग हुई है कि वो अंधेरे में चमकती है। तो उसके बाद ये मैं जो सॉफ्ट आए ये भी इनको कोई गिफ्ट है, बहुत सारे तो मैंने दे दिए, अब ये कुछ हैं रखे हुए, जब इनका दिल चाहेगा तो ये कह देंगे कि मम्मा ये भी आप दे दें, तो फिर यहाँ पर मैं कुछ और ला के रख दूँगी। तो इसी तरह ही होता है बस, जब भी ये देखे कितने प्यारे हैं, और कितने ज़रा सा इनको मैंने देखा थोड़ा सा धोया ये ऐसे चमक जाते हैं जैसे अभी न्यू लिए हैं।
तो ये इस तरह होता है और अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना प्यारा बेडरूम लग रहा है। अब ये देखिए मैं अभी आपको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। बस इसी तरह होता है कि रात को जब हम ईद पे तकरीबन काम करके सोते हैं ना, और ये इनका स्टडी टेबल है, दो स्टडी टेबलों को हमने कंबाइन बनवा लिया था, तो ये इस तरह है। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। बस ये ना जो इस तरह पर्दे की साइड पे है ना, जो उसमें सारी स्टेशनरी रखते हैं, लेकिन ना ये बस वो हाउस हेल्पर डस्टिंग कर रही थी तो उससे ये पता नहीं किस तरह दोनों शीशे ये एकदम गिरे और टूट गए। और ये देखें मैंने बच्चों के रूमों में ना ये छोटी डस्टबिनें रखी हुई हैं, इनको मैंने बचपन से आदत डाली हुई है कि कचरा डस्टबिन में ही थ्रो करना है। तो यहाँ कमरों में बड़ी डस्टबिन मुझे पसंद नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड को, तो हमने इसीलिए छोटी लेकर रखी हुई है। तो ये देखिए अब ये देखिए कितने प्यारे सॉफ्ट वॉय लग रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए बेडशीट, और मैंने इस दफ़ा लाइट कलरों में ली थी। अब ये देखिए कितने प्यारे पिलोज लग रहे हैं सेट हुए हुए। ये भी आप यकीन करिए जो इनके कुशंस वगैरह ना, ये भी मैं यूं ही मशीन में डाल के और उसके बाद टाइमर लगा देती हूँ, और ये भी इतने प्यारे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और अब आ जाते हैं बेटे के रूम की तरफ, अब इसकी भी डेकोर कर लेते हैं और बेडशीट्स कुशंस वगैरह चेंज कर लेते हैं। बस इसी तरह ही मेरा तो दिन गुजर जाता है, बच्चों को लेकर आना, कोचिंग छोड़ना, कॉलेज छोड़ना, स्कूल छोड़ना, फिर उसके बाद घर के काम। मेरी तो अपनी दुनिया है और उस दुनिया में आप लोग भी शामिल हो गए हो, मेरी यूट्यूब फैमिली, और इतना प्यार आप लोग भी कर रहे हो ना कि मतलब लाइफ का मज़ा आ गया है। तो बस यही है कि मुझे ये भी होता है, ये बच्चों के लिए करना है, ये मुझे YouTube फैमिली के लिए करना है, तो इसी तरह मेरा लाइफ का सर्कल चलने लग गया है। बस आप लोग जो आपको चीज़ अच्छी लगे आप बताया करें, जो आपको हो कि आप ही ये नहीं ये करें, या मेरी बेटियां मेरे बेटे की आंटी ये नहीं ये करें, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। क्योंकि देखें आप लोगों तो मैं हूँ और मेरा चैनल है, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैंने बस कोशिश यही की है कि जो आप फरमाइश करो वो मैं पूरी करूँ। अभी बस हेयर रेमेडी की है, बस ये ईद गुजरे तो मुझे वो लाजमी बनानी है, इसीलिए मैंने जो है ना अपनी जो होम टाउन जाने की पैकिंग है ना, वो मैंने ये चांद रात से पहले ही करके एक साइड में कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे चांद रात का भी व्लॉग बनाना है और मुझे ईद का भी व्लॉग बनाना है, फिर उसके बाद पता नहीं मुझे टाइम मिले या बस, क्योंकि मैंने फौरन ईद के फौरन बाद मुझे निकलना है, तो इसीलिए मैंने वो भी पहले सेटिंग कर ली थी। तो अभी ये देखे ये वाला गद्दा जो है ना, ये आसान है। अब ये जो है ना ये वॉशिंग वेयर टाइप का कपड़ा है, तो ये भी देखे मैंने डाला। इससे ना गद्दे हमारे इतने साफ़ सुथरे रहते हैं, बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं। अगर कोई चीज़ गिर भी जाए तो आप ये कवर उतारो और धो लो। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे मैं करती हूँ, मैंने भी कोई चीज़ खुद से की, कोई किसी से सीखी, इसी तरह आप मेरी बहनें मेरी बहुत चीज़ें देखकर करते हो, तो आप ये भी करिएगा जो नई गद्दों के ऊपर चढ़ाती हो। और इससे चादर भी नहीं खिसक सकती। और अभी ये देखें मैंने चारों तरफ नॉट लगाई है, कितनी प्यारी चादर डली है और कितनी प्यारी लगी। ये भी मैंने किसी को देखा था, तब से मैं ये इस तरह करने लगी हूँ और इसमें भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अभी ये इसके जो कुशन है, पहले तकिए लगाऊंगी और उसके बाद इसके भी मैं कुशन लगाऊंगी। इससे ज़रा बेड बहुत मुझे तो प्यारे लगते हैं, आप बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं। तो मेरे बेटे ने मैंने इतनी दफ़ा बताया है तो इसने मेरी बहुत हेल्प की थी। फिर उसके बाद हम सिर्फ आधा घंटा सोए, उसके बाद फिर सहरी के लिए उठे। मैंने क्या फिर मैंने इससे उठा नहीं जा रहा था, इसकी जब इसको नींद में से उठाओ ना तो इसकी आंखें रेड हो जाती हैं, लेकिन फिर ये उठा। बस यही है कि शुरू से हम बच्चों को जिस तरह आदत डाल लें ना, उठा इनको मैंने आदत डाली है कि ये मेरे साथ हेल्प भी करवाते हैं, अपने रूम की क्लीनिंग भी खुद करते हैं जब करनी हो, डस्टिंग भी खुद करते हैं। इस तरह अभी ये ज़ाहिर है मुझे करना था, यह मुझे आपको वीडियो दिखानी थी, तो कुछ काम ये कर रहा है, कुछ कुछ मैं कर रही हूँ। जब ये कर रहा है तो ये वीडियो में बहुत ही शायद वो नहीं वीडियो में इतना आता, तो ये बाकी चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह, और इस दफ़ा मैंने इतना अच्छा किया जो सब लाइट कलर लिए ना, इतने कमरे आप यकीन करें कि रोशन रोशन लग रहे थे। अब ये देखें इसके साइड टेबल पर भी इसका भी ये इसको गिफ्ट मिला था, सॉफ्ट वॉय इसके किसी दोस्त ने दिया था, और साथ ही देखें छोटी सी डस्टबिन है और एक इसका पानी का ग्लास है वो रखा, और ये इसका भी स्टडी टेबल है, इसका कॉर्नर में बनवाया था।
ये इसके जो है ना, ये स्पाइडरमैन, ये इसका बचपन का खिलौना है, ये इसके इतना दिल के करीब है, ये नहीं ये कहीं भी इधर उधर करता। और ये मैंने बहुत सोच विचार के बाद फिर इसका ये मैंने ड्रेसिंग बनवाया था कि बॉयज़ के हिसाब से डिसेंट सा और सिंपल सा हो, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये मुझे कारपेंटर ने दिखाया था। तो चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा सारा घर डेकोर हो गया, आपके साथ मिल के मैंने डेकोर किया, अब मैं विज़िट करवाती हूँ। ये घर के अंदर जैसे ही हम आते तो ये मैंने एक जूतियों के लिए बनाया है स्टैंड कारपेंटर से, तभी मैंने बनवा लिया था कि हमारी जूतियाँ, नई जूतियाँ हमारी कबर्ड्स में होती हैं, जो आम पहनने या मतलब लेकर जॉगर्स पहन के निकलना है वो, ये इंटरेस्ट है या पैसेज कह लें, ये वो है ड्राइंग रूम साइड में, उसका मैं टूर बाद में दूंगी जब मैं उसको बहुत प्यारा सा डेकोर करूंगी, फिर मैं आपको उसका टूर दूंगी। और ये बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ ही हमारा किचन है, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा, आप मेरी यूट्यूब फैमिली और मैं ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, और मेरा पूरे घर में मेरा दिल मेरा किचन है। तो ये देखिए, ये मेरा बहुत ही प्यारा और बड़ा किचन है, तो ये देखे कितना प्यारा लगता है जब नीट एंड क्लीन हो। और ये मैंने साथ खुद बनवाया था शोकेस, और ये एक मैंने क्रिस्टल के बर्तन रखने के लिए बनवाया था, और उसके नीचे ये जूस का कॉर्नर मैंने बनवाया था कि मैं बच्चों के जब जूसेस बनाती हूँ तो यहाँ पर मैं जूसर वगैरह रखती हूँ सारी। तो ये देखे इस तरह ये वाला मेरा किचन है, जिसमें आप लोग भी मेरे साथ होते हो हर रेसिपी में। और उसके बाद ये हमारा मिनी किचन है, जिसको अभी मैंने खुद डिज़ाइन किया था और मैंने बनवाया था। तो ये है, अभी बस ये ईद गुजरे और गैस की भी लोड शेडिंग कम हो ना, तो ये पर्दे के पीछे आपको पता है मेरी एक कबड़ है, जिसमें मेरी सारी बड़ी कढ़ाइयाँ और फालतू बर्तन मैंने रखे हुए। फिर ईद के बाद मैं यहाँ पर गैस के चूल्हा भी रखूँगा, अभी तो सिलेंडर का। और ये देखे यहाँ पर भी स्पाइसेस हैं, और ये मैं जूसर जब सुबह लस्सी वगैरह बनाती हूँ शहरी में, ताकि शोर ज़्यादा ना घर में हो, तो मैं इधर ही जूसर रखा था, क्योंकि उस टाइम गैस तो होता नहीं है, तो मैं यहीं पर ही पराठे बना रही होती हूँ ना, तो साथ ही फिर मैंने जूसर भी यहाँ रख ली। और यहाँ पर मैंने एक वो लगाई हुई है हुके, ताकि मैं डस्टिंग वाले टावल यहाँ टांग लूँ। और ये देखे कितना प्यारा, और ये फ्रेंड्स जो स्लेप मैंने बनवाई थी ना, ये मैंने आयरन की बनवाई हुई है। और ये देखे मेरा बिग और बहुत ही खूबसूरत लाउंज है, जो मेरा मतलब इस तरह मैंने सेटिंग की थी कि जो जहाँ बैठे उसको टीवी नज़र आए। तो ये देखे, और ये हमारा काउंटर स्लेप है, और ये देखे यहाँ इंटरकॉम लगा हुआ है जो हमें नीचे कोई भी बात बोलनी हो। और ये साथ ही मैंने एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है बड़ा, और उसके साथ ही बेटियों का रूम है, तो चले अब उसमें चलते हैं। और फुल डेकोर हो चुका है, और ये साइड में कुछ भी हम रख लें, और ये इनका बेड है, साथ ही अटैच बात है, और ये वाली वॉल पे हम लोगों ने वॉल पेपर लगवाया था। अभी मैं इंशाल्लाह बकरीद से पहले पहले सामने भी इंशाल्लाह, आप दुआ कीजिएगा कि मैं डेकोर कर सकूँ। तो और ये इनकी अलमारी है, दोनों अलमारियाँ एक एक की है और दूसरी दूसरी, और ऊपर सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं, जो मौसम होता है ना तो वो मैं ऊपर रख देती हूँ, दूसरे वाले नीचे निकाल लेती हूँ, इस तरह हैं। तो एक अलमारी के ऊपर सर्दियों के कपड़े हैं, दूसरे के भी अलमारी के ऊपर सर्दियों के और गर्मियों के नीचे, और इस तरफ हमारी दूसरी कुछ स्टोरेज है। और ये इनका स्टडी टेबल है, तो इस तरह है। बस वो शीशा उस बच्ची से टूट गया था, ये इंशाल्लाह मैं लगवा लूँगी, क्योंकि जो वो प्रिंट है वो मिल नहीं रहा, मुझे लगता है जो सारे शीशे वही सभी एक साथ ही चेंज करवाने पड़ेंगे। तो उसके बाद ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाउंज है, जिसमें हम ज़्यादा देर बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये देखें, और इसकी भी लाउंज की भी मैंने, ये जो सामने वाली दीवार है ना, तो इस पर भी मैंने सारा वॉलपेपर लगवाया था, तो क्योंकि छतों के साथ और हमारा थीम जो है ना ज़्यादा ऑफ वाइट और गोल्डन ही है, तो उसी हिसाब से फिर मैंने ना ये सारा किया था, पर्दे भी और ये भी। पर्दों का भी एक सेट और बनवाया था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ईद के बाद आप ले लीजिएगा। और ये एलईडी पॉइंट है, ये भी मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद डिज़ाइन किया था, तो ये मैंने बनाया था। ये देखिए माशाल्लाह कितना सिंपल और प्यारा है, तो बस इसी तरह ही है। तो अभी आ जाते हैं, इसी के साथ ही मेरा बेडरूम है इस तरफ, तो और उसके साथ ये देखे मैंने ये पर्दा इस तरह लगाया, और थोड़ी सी यहाँ पर भी मैंने फेरी लाइट लगा दी, मैंने कहा ईद के तीन दिन लगी रहे। और लाउंज में ही ये दरवाज़ा है मेरे बेडरूम का, और ये ड्रेसिंग टेबल भी मैंने खुद मतलब बनाया था, मुझे जो इस बेड के साथ था ना वो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा। और ये देखे मैंने अपने बेडरूम के पर्दे ऊपर से लगाए, मुझे बहुत पसंद है बिल्कुल ऊपर से, जैसे सऊदी अरेबिया में नहीं होता कि ऊपर से छत से पर्दे शुरू होते हैं, इसी तरह मुझे पसंद है, तो मैंने ये इस तरह लगाया था। और इस वाली वॉल के साथ मैंने टू सीटर सोफ़ा लेके रखा है कि कुछ लोग बेड पर बैठ जाएँ कुछ इधर, तो अच्छा लगता है, और साथ ही अटैच बात है। और ये ऊपर हमारी सारी स्टोरेज है, और मतलब जो जो हम रख सकें, और ये बाकी मेरी कबर्ड है।
और एक कबड वॉशरूम में है, और ये ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग का ये मैंने एक नीचे का रेक अलग लिया था, ऊपर मैंने शीशा, ये मुझे पसंद था तो ये मैंने लेके इस तरह अटैच करवा लिया। उसके बाद ये लाउंज में सोफ़ों के पीछे से जगह है, ये बाकी ये जो हमारा टेरेस है बड़े वाला, जिस पे मैंने झूला भी लगाया हुआ है और फ्रिज भी रखा हुआ है, और उसके साथ ही ये सामने बैठे का रूम है। तो ये देखें, इसकी मैंने थीम रखी थी सिल्वर ब्लैक। तो ये देखें, इसका पर्दे भी मैंने इसी तरह सिल्वर ब्लैक लिए थे, क्योंकि थोड़ी सी फील आनी चाहिए कि बॉयज़ का रूम है, या ब्लू करती या ब्लैक, और उसको ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो बेड में भी हमने टच ब्लैक का दिलवाया, और ये सिंपल सा देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ स्टडी टेबल इसका बनाया, ये भी मैंने ही थोड़ा सा बताया था, थोड़ा कारपेंटर ने अपने दिमाग से किया। और ये ड्रेसिंग टेबल, ये देखें बॉयज़ के हिसाब से सिंपल और प्यारा। और ये कबर्ड है इसकी, जिसमें ऊपर स्टोरेज है, नीचे एक कबर्ड में इसके कपड़े हैं, दूसरी में मेरा कुछ सामान है, और एक में हमारा जो है ना बिस्तर वगैरह रखे हुए। और ये देखें मेरा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा और बहुत खुशियों भरा मेरा घर है। आप भी मुझे बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा कि मेरे घर में इसी तरह मेरा पाक परवरदिगार खुशियां रखे, और सब मेरी बहनों के घरों में खुशियां रखे, और जिनके पास अपने घर नहीं है मेरा पाक परवरदिगार उनको घर दे। तो बस यही है। और एक मेरी बहन ने उसका ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए मेरे सब फ्रेंड दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको सेहत दे, और मेरी आप ही की भी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे, आमीन। तो बस इस व्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करूँगी इस दुआ के साथ कि आप लोगों को अल्लाह पाक बहुत खुश रखे, आबाद रखे, और जो जो मेरी बहनें घर के लिए कहती हैं कि अल्लाह पाक उनको भी घर दे, और जिन बहनों ने होम टूर का कहा था उनकी भी मैंने आज फरमाइश पूरी की, ये मेरा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा घर मैंने आपको दिखाया है। तो बस इसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग और दुआएँ दीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे घर को यूँ ही खुशियों भरा रखे, मेरे बच्चों को इसी तरह फरमा बरदार रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।